व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अबे तुम लोग को फर्क नहीं पड़ता होगा यहाँ क्या चल रहा है, पर मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारी तरह चुप नहीं रह सकता। कंप्यूटर्स मशीन चला रही है यार हम इंसानों को। वो दिन दूर नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पे राज करेंगी और हम बन के रह जाएंगे उसके सिर्फ कस्टमर। देखो कितने कष्टों से मरोगे तुम। We have been sold our insecurities and they know if they tap into us, we're gonna buy any fucking damn thing they tell us to. साले तुम हो क्या एक चूती से कंज्यूमर जो इसलिए कमा रहा है कि किसी टट्टी से कैफे जाके 400 की मूत पी ले। ब्रांड्स चला रहे हैं हमें और हम लोग हफ्ते में एक दिन बाहर जाके कुछ खा पी के खुश हैं। क्या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वाह। अरे ये हमें समझना बहुत जरूरी है दैट वी आर बीइंग कंडीशन्ड ऑन अ मास स्केल। क्या कचरा ये लिबरल डेमोक्रेसी। एंड वी द स्यूडो लिबरल्स वी एक्चुअली थिंक वी आर लिविंग हैप्पी इन अ लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट। मीन व्हाट द फक इज दैट। बस कागजी खेल है सब, खेला जा रहा है हमारे दिमाग से और हम घर के बाहर कचरे की गाड़ी देख के ही खुश हैं। स्वच्छता का इरादा Everything is controlling us. TV, media, नशे की गोलियों की तरह जियो ने जिंदगियां बांट रखी है। अबे रह के बताओ इनके बिना, 10 साल का बच्चा भी कहीं जाता है तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देता है। अबे इससे बड़ी चेतावनी तुमको क्या चाहिए चूतियो। टू मैनेजमेंट टीम्स बिडिंग फॉर द कंट्रोल, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, द सीईओ जॉब ऑफ स्लेवरी इनकॉर्पोरेटेड। हम बस आईडीज बनकर रह गए उन लोगों की जो फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, उनकी आईडी की आईडी। सी हाय, आई एम वरुण तिवारी, ग्रेजुएशन फ्रॉम इंदौर, और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, दिस इज रियल मी, और मैं उसका आईडी। सच हमारे सामने है पर हम उसको देखना ही नहीं चाहते। हमें किससे फर्क पड़ता है श्रीदेवी बाथटब में कैसे मरी, मोदी ने राहुल को क्या गधा बोला, घोड़ा बोला, कौन कहां मरा, कश्मीर में क्या हुआ, सलमान ने किसको क्या कहा, रियल फेक फक, हार्दिक पांड्या सेक्स से, अरे बैंड। अरे अब तो दाढ़ी मूंछ उगाने के लिए भी तेल आ गए। व्हाई डोंट यू रियलाइज इट्स नॉट द डिफॉर्मिटी ऑफ नॉट ग्रोइंग फेशियल हेयर बट इट्स द फकिंग एवोल्यूशन। आज जैसे मैं सड़कों पर आ गया हूं ना, कल से सारे पढ़े लिखे लोग इसी तरीके से सड़कों पर आ जाएंगे और यही तरीका अपनाएंगे, क्योंकि सीधी बात तो यार किसी को समझ में आती नहीं है। और अब कोई पूछे ना कि हल क्या है, गलती तो सब गिना सकते हैं, तो भाई हल ये है कि जाके मर जाओ, और मर जाओ से ये मतलब नहीं कि खुद को आग लगा लो। अबे बच्चे पैदा करना बंद करो। We haven't seen the massacre yet, पर अब देखेंगे जब लोग उभरेंगे मेरी तरह लेफ्टिस्ट बनकर। अबे समझ में नहीं आता, गरीब और गरीबी की बातें करने वाले वो 5 स्टार में बैठे हैं और हम बेवकूफ। सपने देखना बंद करो और हकीकत में जियो। हर घर में कंप्यूटर होगा ये ख्वाब था, कंप्यूटर घर होगा ये ख्वाब नहीं था। Listen, we're not a bunch of underachievers. The point is, you question the world you live in.